वेलकम टू प्रिया प्रीति ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग घर पे हैं और अभी हम लोग बुटीक जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज गुड़िया का एग्जाम है, इसलिए हम लोग जल्दी जाना पड़ेगा। तो चले प्रीति, चले। हाँ, और क्या, सामान रख लिए सब? सामान हमने सब बाहर रख लिया है, बस तुम्हारी इंतजार था। और समय, चल दो, हमारे पास दे दो। दीदी जल्दी से देखो, दीदी जल्दी से। गुड़िया भी आ गई, चले गुड़िया। अच्छा, तू ये वाला दुपट्टा लिया, क्योंकि यही वाला ड्रेस आज हम बनाने वाले हैं। तू पूरा वेयर नेयर करके दिखाऊंगी मैं तुम्हें दुपट्टा। हाँ, और आपने हमारा मोबाइल रख दिया। हाँ। चलो भैया, हमारा मोबाइल भी रख दिया उसने, बेचारी लड़की ने। आज आप अच्छे से बोर हो ना, ठीक है? बेचारी अकेले रही तो बोर होगी। अच्छे से बोर होना, सौम्या अच्छे से खेल ला, बिल्कुल भी बोर मत होना, बुआ को भी बोर मत होने देना। और है, बुआ को एंटरटेन करना, बहुत परेशान करना बुआ को, ठीक है? चलो हम जा रहे हैं, बाय। फ्रेंड्स, हम लोग बुटीक पहुंच गए हैं। अरे ये जो ठीक है, एग्जाम की तैयारी कैसी हुई गुड़िया, ये बताओ। जो जो बुक में आया था वो मैंने पाई लिया। बुक में अगर बुक से अलग आ गया तो पेपर में, तो फिर मैं नहीं लिख के आऊंगी। और अरे मन से अपने लिखे आना, ठीक है? और खाली मत कॉपी छोड़ के आना, भर के ही आना, पूरे क्वेश्चन हल करके आना। ओके दीदी। सौम्या की सुन सुन के मैं भी यही सीख गई। हाँ फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अस्तर वाला सूट काट रही हूँ और हमारी डैनी वहाँ पर प्रेस कर रही है। क्यों डैनी, कितने के कपड़े और बचे? एक ही बचा है ना। इसके बाद ये वाले जो सूट मैंने डाले हैं, ये चारों सूट अलग अलग जीने के, इनकी घड़ी बना के रख देना है, नाम भी लिख देना उन पे। और यहाँ पर हमारी प्रीति कपड़े सिल रही है, उसकी मशीन भी चेंज हो गई है। दीदी कोई कमेंट करके बोल रहा था कि आपने भी थोड़े दिन पहले सुप्रिया की मशीन ली थी, वो कहाँ चली गई? अच्छा, मैंने कहा मैं इसी पे काम। चलो तो प्रीति, इसीलिए तो मैं इसी पे बैठ गई, अब काम करना है ना। चलो अब इसी पे सिलाई करूंगी, ताकि लोग सब लोगों को पता चल जाए कि हाँ प्रीति सुप्रिया वाली मशीन पर काम कर रही है। ये चलती भी बहुत अच्छी है। हाँ। एकदम स्मूथ चल रही है। हाँ। चलो ठीक है, तो मैं ये अस्तर वाला कुर्ता सिल रही हूँ। हाँ। अस्तर वाले तो कपड़े निकल रहे हैं, सिंपल निकल ही कर रहे हैं। हाँ, शादियों में तो ऐसा ही होता है, अस्तर वाले कपड़े बनते हैं। और यहाँ पर ये आंटी सलवार सिल रही है, ये बैठ गई प्रीति की मशीन पे और प्रीति बैठ गई उस वाली मशीन पे। फ्रेंड्स, भाई गुड़िया एग्जाम देकर आ चुकी है। गुड़िया कैसा लगा एग्जाम? जैसा आया था वैसे चला गया। तुमने मतलब अच्छा नहीं दिया इसलिए बोल रही हो। सही बताओ, कैसे गया? अच्छा गया। अच्छा गया, थक गई बेचारी, लिख लिख चपटी हो गई। क्यों? लिख लिख के पेन पकड़े पकड़े सही में ऐसा दुखने लगती है यहाँ की उंगली। और मतलब जाए दीदी, कुछ काम तो नहीं है? नहीं है ना, बोर्ड ठीक करवाना है। ध्रुव भैया यार, ये बोर्ड ठीक कर दो, स्विच खराब हो गए, डायरेक्ट कर दो तुम तो। जल्दी से कर दे भाई, और जल्दी से चल। कौन सा, ये खराब हो? इस साइड वाला नहीं, उस साइड वाला खराब है। गुड़िया तो चली गई है और मैंने अभी दो कपड़े स्टिच करे हैं, तो मैं थोड़ी थक गई थी, तो मैंने कहा कुछ और सोच लेते हैं। तो गुड़िया के जैसे ग्रीन टॉप की कटिंग स्टिचिंग बताना है, क्यों दीदी ना? हाँ, बहुत सारी बार बताए हैं, ब्लॉग के चैनल पे कमेंट आ चुकी है। ब्लॉग के पे भी नहीं दीदी, गुड़िया के चैनल पे भी, दर्पण बुटीक पे भी, प्रिया प्रीति ब्लॉग्स भी, मतलब हर चैनल पे कमेंट आ चुके हैं। तो मैं तो ब्लॉग वालों को पढ़ती हूँ ना, तो इसलिए मुझे उसका पता है। तो मैं दर्पण बुटीक के पढ़ती रहती हूँ, मैं तो दोनों की पढ़ती रहती हूँ, तो मुझे पता है। गुड़िया भी कितनी बार बोल चुकी है कि उसके जैसे ग्रीन टॉप की कटिंग स्टिचिंग बताई, बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे। तो हमने इस वाले फैब्रिक का इंतजाम कर लिया, इस वाले फैब्रिक से हम पूरा एक ड्रेस बनाएंगे, उसका थोड़ा अलग टाइप का रहेगा, तो बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग कटिंग स्टिचिंग आपको बताएंगे। हाँ। और अभी हम लोग सोच रहे हैं, एक नई शॉप है, खुली है। हाँ खुली है, ज्यादा मतलब बहुत नई भी नहीं है, बहुत पुरानी भी नहीं है, लेकिन हम लोग कभी नहीं गए। हाँ। तो अभी हम लोग चलते हैं। से बोला कि तुम भी देख के आओगे ना, चले अपन लोग डैनी, है ना, देख के आएंगे क्या क्या है उनके पास अलग अलग। फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं और ये वाला हम एक फैब्रिक लेके आए, नहीं लेकर आए, लाए डैनी देखना, नहीं यही पसंद आया कि नहीं, नहीं लाए, ये लाए ना, ये लाए। और ये जो लेने गई ना दीदी, ये नहीं मिला, मतलब कलर मिलने वाला नहीं, थोड़ा लाइट कलर था, थोड़ा लाइट था, क्योंकि अभी तो अपन उसको इस हिसाब से लेके आएंगे, खिलाना कितने मिल जाएगा। बोल दिया था ना लगभग, तुम भी नहीं करते, नहीं आना, चलो देख लेंगे। पर हाँ ठीक है, वो तो पर डिजाइन सही है, कपड़ा लेके आई बस, ये भी अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ सही है, टॉप वगैरह या कुर्ता कुर्ता कुछ बना लेंगे, अच्छा लगेगा ना। चलो ठीक है, अस्तर अपन मिला लेंगे अब। हाँ लो प्रीति, अस्तर भी यही मिल गया, बताओ तो चल जाएगा वो अस्तर, मुझे लग ही रहा है। कौन सा है? जॉर्जेट तो ले आए थे, अस्तर का भी इंतजाम हो गया, तो अब जल्दी से अपन इसको स्विच कर लेंगे, ताकि अपन पहन सके इसको। हाँ लेकिन ये तो बहुत सारा है प्रीति अस्तर। हाँ ठीक है ना, तो क्या हुआ? फ्रेंड्स, तो कपड़ा वपड़ा रख दिया है और अब लग पड़े काम करने के लिए। तो ये वाले कपड़े मेरे पास रखे हुए हैं,
ये तो गुड़िया स्टिच करेगी, और ये वाले मैं सोच रही हूँ एक दो जितने भी बन जाएं अभी तो बना लेते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारी डैनी लगा रही है साड़ी में लेस। डैनी अच्छे से लगाना ठीक है, क्योंकि डैनी को बहुत टाइम हो गया हम लोग साथ काम करते करते, तो उसको अच्छे से आन लगाए जैसे हम लोग काम करते ना वैसे ही करती है सेम टू सेम। वो तो साथ में कोई रहता है तो सीख जाते हैं सब लोग, है ना दीदी, सब साथ में रहेंगे पूरे टाइम सीख ही जाएंगे। वैसे भी जैसे तुम काम करती थी हम लोगों को सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हम लोगों को तो ऐसे ही अपने आप आने लगा, तो अपने आप ही सीख गई सब चीजें। हाँ। तो जैसे वो भी यहाँ पर जब तक काम करेगी जब तक देख देख के सब चीजें सीख ही जाएगी ना, तुम्हें कुछ अलग से सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दीदी देखना इसको सही तो लग गई, देखो कोने में कितने अच्छे से बना दी दीदी, दिखाना देखो। हाँ अच्छे से लगा दी ना, लगाना हाँ, सही कितनी फिनिशिंग से लगाई देखो, बिल्कुल सलमान भी नहीं आ रहा है कहीं पे, सलमान भी नहीं आ रही, और यहाँ पर भी देखो बिल्कुल बराबरी चाहिए हर जगह। हाँ चलो बस अब इससे बहुत बढ़िया बेल्ट डन दे नहीं, बेल्ट डन दीदी। हाँ डल गए कपड़े। हाँ कितने सूट डाल दिए, एक जने के तीन, एक जने के। अच्छा फोल्ड वोल्ड करके रख रही हो, जल्दी से रख ले, अपन फिर चलो वीडियो शूट करें, बहुत देर हो जाएगी नहीं तो अपन को, है ना। हाँ ठीक है, बंडल बन गए हमारे, अब हम रखे आते हैं जाकर। प्रीति तुम्हारा कितना क्या काम हो गया हमारा, देखो हमने वो अस्तर वाले जो कुर्ता लगाया था, पता है दीदी कल भी ऐसा ही हुआ था आज भी ऐसा ही हुआ, क्यों भी कुर्ता था कल मैंने आधे घंटे को वाला कुर्ता सिला था ना, आज भी मैंने आधे घंटे में ही सिला, और ये कुर्ता भी सेम टू सेम वैसा ही है, तो मतलब ये कपड़ा ही अच्छा होगा प्रीति इसलिए जल्दी बन जाता है तुम्हारा, जैसा ये मतलब दोनों का उसका भी प्रिंट ऐसा ही था सेम टू सेम, और कढ़ाई मतलब कलर का उस डिफरेंस है, मतलब ये ग्रीन है वो ग्रे था, बस पूरा बर्क मार्क नेक सब चीज सेम टू सेम बनी है ये, तो कल भी आधे घंटे सेम थे वो तो। हाँ कल भी आधे घंटे में सिल गया था और आज भी आधे घंटे में सिल गया, चलो अच्छा रहा है ना दीदी, टाइम पे ही बन गया। अब जल्दी से अपन यहाँ पर साफ सफाई कर लेते हैं, फ्रेंड्स देखिए कितना फैलाना पड़ रहा है पूरे, अरे फैलाना ये नहीं पड़ा है, साफ हो चुका है, कितना फैलाना तो अभी था इसके पहले। हाँ और ये हमने यहाँ पर भी जब से ये मटका रखा है जब से बारिश ही होने लगी, गर्मी पड़ी नहीं थी, बस मुश्किल से दो दिन गर्मी पड़ी, दो ही दिन हमने इसका पानी दिया, और उसके बाद ठंड की वजह से पता फ्रेंड्स क्या होता है ये पूरा पानी निकलता रहता है, और कहाँ से जाता है, यहाँ से तो आता ही है और यहाँ से आएगा, और ये देखिए यहाँ से आता है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आते आते यहाँ से आ जाता है, और यहाँ से तो अभी सूखा है पर पीछे से साइड से भी आ जाता है, और यहाँ ऐसे बहने लगता है, और सुबह हम जब आते हैं ना जब तक वहाँ तक पूरे में से लाइन लगी रहती है पानी की। अब हम लोग बैठ जाते हैं कटिंग स्टिचिंग करने के लिए, मतलब कटिंग स्टिचिंग का वीडियो शूट करने के लिए, और फ्रेंड्स सुबह से लेकर रात हो जाती है जब तक हम लोग की शक्ल पे बच जाते हैं 12, तो जो लोग और हम बन जाते हैं भूत। हाँ तो जो लोग बताएं कटिंग स्टिचिंग की या फिर कोई भी वीडियो बनाते हैं, मान लीजिए यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, तो सब लोग बढ़िया तैयार होके बैठते हैं, और हम लोग तो सही में बैठ जाते हैं शाम, तो वैसे आते हैं हम लोग के बाद सुबह से लेकर रात तक यहाँ पर कस्टमर डील करना, कहीं ये काम करना कहीं वो काम करना, तो शाम तक तो हम लोग शकल पे बच जाते हैं 12, तो फिर हम 12 बजने के बाद ही बैठते हैं यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए। चले प्रीति तुम यार ये तुम्हारे भूतों जैसे बाल तो ऊंच लो कम से कम, कुछ नहीं तो देखना कैसे लटक रहे हैं बाहर, कैसे मुझुआ पूरी चोटी करना पड़े एकदम, तो रहने दो अच्छी ऐसे ही फिर मम्मी गुस्सा करेंगी यार। हाँ चलो 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 घर भी तो चलना है यार। हाँ चलो ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने बताया जो ये प्लाजो जो किया था कल हाँ दीदी कल ही किया था ना, हाँ मैं भूल गई, पता नहीं सैटरडे मंडे पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, ज्यादा काम कर करके तुम्हारी याददाश्त तो नहीं जा रही है, हो सकता है यार दीदी ऐसा ही लग रहा है मुझे तो। हाँ तो ये जो प्लाजो अपन ने कल ही वाला कल स्टिच किया था उसी की मैचिंग का दीदी ने कुर्ता कटिंग कर दिया है, इसकी स्टिचिंग हम लोग घर जाकर करेंगे क्योंकि देर हो जाएगी इसीलिए। हाँ तो चलो दीदी कल वैसे भी संडे है फ्रेंड, तो कल ही जाके आराम से करते रहेंगे बैठ के आराम से, और चलो अभी तो चलो फिर देखते हैं। क्यों दीदी मटका नहीं खाली कर रहा है, मटका तो भरा रहने दो जितना बच जाए उसमें पानी, क्योंकि इसमें भी जगह नहीं बची, उसमें भी जगह नहीं है, पूरा फुल भर गई होगी, इतना सा तुम पानी पीती होगी जरा सा, पूरी अद्दी बद्दी सब भरी की भरी वापस चली जाती है, फेंक फेंक के जाना पड़ता है। चलो ठीक है कोई बात नहीं, हाँ कैसे कोई बात नहीं है, पानी की कमी पानी, अरे दीदी बारिश हो रही प्यास ही नहीं लगती, मैं क्या करने लगूँ, तुम कौन सा ज्यादा पी लेती जो मुझसे बोल रही हो। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं घर, ये तो ऐसे ही करती रहेंगी। हाँ वही तो कर रही हूँ, ये हमारा प्लाजो, ये रहा हमारा कुर्ता, और क्या दीदी, और तुम खुद भी बची हो अभी यहाँ पर, हाँ ये हमने फैब्रिक रख लिया है किसके लिए दीदी, ये अपन गुड़िया जैसे ड्रेस बनाएंगे ना उसके लिए। फ्रेंड्स घर पर पहुंच गए हैं, और देखिए हमारी सौम्या सब सामान निकाल के रख रही है, सौम्या क्या करने लगी पर्स में, वो
अच्छा मोबाइल तो देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से मोबाइल निकाल के रख रही है और अब ध्यान से देखेगी बैटरी वैटरी है या नहीं है। अगर बैटरी नहीं होगी तो मोबाइल को चार्ज में भी लगाएगी, सारे काम कर देती है हमारी सौम्या। और देखिए फ्रेंड्स, हमारी गुड़िया आराम से पढ़ाई कर रही है बैठ कर। मोबाइल नहीं देख रही, वो ये देख रही मैंने कितने क्वेश्चन गलत कर दिए, क्योंकि सही तो कोई करे नहीं है। फ्रेंड्स देखिए कैसे बेइज्जती करते रहते हैं ये लोग, करे होंगे क्यों नहीं करे, पढ़ नहीं रही है वो बेचारी, पढ़ी तो नहीं रही, अभी तो कर रही है गलत। तुमने भी यही बोला ना, अभी कर दिए होंगे गलत। नहीं ये बोला था नहीं करे होंगे उसने गलत, ये बस अपनी अपनी चलाते हैंगे, ऐसा ही है, ऐसा कुछ नहीं है, पागल बना रहा है वो तो।